डूंगरपुर के सागवाड़ा से बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी की गई। पुनर्वास कॉलोनी में अशोक जैन के निवास पर एक कार्रवाई अभी भी चल रही है। एक बड़े कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बड़े कांग्रेस नेता के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई, यानी कि उन ठिकानों पर भी पहुंची है ईडी। पेपर लीक में बाबूलाल कटारा को ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया था और इसके बाद लगातार सागवाड़ा में निगरानी चल रही थी, लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही थी, सर्च अभियान चल रहा था ईडी का। लेकिन अब जो जानकारी है, पुनर्वास कॉलोनी में अशोक जैन के निवास पर एक कार्रवाई, बड़े कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। पुनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। पुनीत, एक बार फिर से सागवाड़ा में पहुंची है ईडी, जाहिर सी बात है खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़े कांग्रेस नेता के ठिकानों पर भी ईडी के पहुंचने की जानकारी है, अशोक जैन के निवास पर पहुंचने की जानकारी है। जरा डिटेल में बताइएगा अशोक जैन के बारे में भी और अन्य डिटेल भी। बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो अशोक जैन है वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और इंजीनियर के पद से, बड़े पद से रिटायर हुए हैं और एक बड़े कांग्रेस नेता के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। और आज सुबह सीआरपीएफ के जवानों के साथ में करीब दो इनोवा गाड़ियां थी, उसमें करीब 10 से ईडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। शुरुआत में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इनकम टैक्स की कार्रवाई है, लेकिन बाद में सीआरपीएफ के जवानों को देखने के बाद ये तय हो गया कि ये जो है ईडी ने रेड की है। और ये बाबूलाल कटारा जो ईडी की गिरफ्त में आया था सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में, उसके बाद तय माना जा रहा था कि डूंगरपुर में कई बड़े लोगों के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में दोनों में कई बड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। कुछ लोगों के नाम कॉल डिटेल्स वगैरह में भी आए थे, इस तरीके के इनपुट हमारे पास थे। उसके बाद फर्स्ट इंडिया ने यह बताया था कि सागवाड़ा और बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाइयां होना लाजमी है और इस बात को लगातार फर्स्ट इंडिया ने उठाया। और आखिर में आज सुबह जब ईडी की टीम पहुंची तो इस बात पर मोहर भी लग गई फर्स्ट इंडिया के कयासों पर कि जो सूचना हमने दी थी वो सही है। प्रथम दृष्टि यह माना जा रहा है कि जो सेकंड ग्रेड पेपर लीक के अलावा कई और मामलों में भी जो काला धन है वो इन ठिकानों पर मिलने की संभावना है। जी ठीक है, यानी ये माना जाए कि अभी भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई और ठिकानों पर ईडी पहुंच सकती है। बिल्कुल, पुनः बताना चाहूंगा कि अभी बांसवाड़ा में भी कोई दो बड़े नाम, अभी जो हमारे पास जो इनपुट है उसमें कोई दो बड़े नाम है, वो भी बड़े नेता ही बताए जा रहे हैं। और डूंगरपुर शहर में भी एक किसी बड़े ठिकाने पर कार्रवाई वाले दिनों में होना लगभग तय माना जा रहा है। जी ठीक है, पुनीत नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका।